नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED 4 सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर गणित प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, आपका गणित का पेपर कैसा हुआ वो आप लोग अभी कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो टोटल आपके सामने 18 क्वेश्चंस के प्रश्न पत्र हल आपके सामने रखे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के लिए बेहतरीन टाइप किया गया है क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत ही बेहतर दिखे मोबाइल फोन में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर 2023 लिखा था, लेकिन आपका पेपर 2024 में हुआ, इसको लेकर कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर देखा जाए और देखते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने नंबर मिला लेंगे, ठीक है ना, कि कितने बन रहे हैं। तो चलिए, पहला आज का प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन ये था, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4y प्लस y बराबर 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान आपको बताना था। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने इसको कर लिया होगा, बहुत से बच्चों से इसका आंसर गलत हो गया होगा। चलिए देखा जाए कि आखिर आपने गलती कहां पर की। जी हाँ दोस्तों, कुछ बार ये होता ना कभी कभी कि आपने गलती कहां पर की, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही रहता है। यहाँ पर 3x बराबर क्या दिया गया था, 4.5। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5/3। भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब 1.5 आ गया x का मान। ठीक है, हमें x का मान यहाँ पर पता चल गया। x का मान हमने निकाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ये देखी दिया है 4x + y, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 1.5, मतलब हो जाएगा 4। एक सेकेंड, इस पेन को थोड़ा सा मोटा। ठीक है, 4 × में हो जाएगा 1.5 प्लस में दोस्तों वाई लिखा है, बराबर क्या लिखा है, 14। ठीक है, 15 × 4 = 60 होता है ना, तो ये हो जाएगा 6.0.1 अंक पर है, तो प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। या आप यहाँ से वाई का मान निकाले होंगे तो आ गया होगा 14 - 6, तो आ गया होगा 8। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, डी विकल्प। अब देखिए, बहुत से बच्चों ने कुछ और सोचा होगा जिससे वो गलती किए होंगे, इसका फिलहाल आंसर यही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या बताना था, घनमूल बताना था। ठीक है, 0.00000 ये सब दिया गया था, इसका घनमूल निकालना है। तो आपको एक आसान सा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे घनमूल निकालना ऐसे लिखा होता है, 27 का घनमूल निकाली, तो कैसे निकालते, इसको क्या करते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, ये करते हैं, ये होता है। ठीक है, इसका घनमूल 3 आ जाता है। क्या इसका घनमूल आ सकता है, फिलहाल जो ये विकल्प दिया गया है वो इनमें से नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चों ने इसमें अपना अच्छा खासा समय बर्बाद किया होगा। देखिए, एक बात हमने बहुत बार सभी बच्चों को समझाया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 12 13 14 14 लिखा है, फिर 14 10 12 18 14 20 12 13, इनमें से आपको बताना था कि बहुलक क्या होगा। अब जरा देखिए, ये देखिए, 14 एक बार, 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे ज्यादा बार तो ये दिख रहा होगा, तो सही आंसर होगा आपका सी विकल्प। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना था। बहुलक का मतलब ये होता है जिसकी आवृत्ति सबसे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। ठीक है, सबसे ज्यादा बार 14 ही आया होगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का आपको इसमें मान बताना है। ठीक है ना, यहां पर अच्छे से क्वेश्चन को लिखते हैं, √2 + 1/√2। फिर दोस्तों देखिए, लिखा था √2 - 1/√2। ठीक है, ये आपको बताना था कि इसका मान क्या होगा। आपके सामने ये चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें तुक्का नहीं लगाना। देखिए, आसान क्वेश्चन में कभी तुक्का नहीं लगाया जाता। ये लिखा है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है। आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, a + b, और इधर क्या लिखा है, a - b। फार्मूला क्या होता है आपका, a² - b²। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, -b² की जगह हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। हो गया, √2 का स्क्वायर आएगा 2, ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, बराबर 2 × 4 -1/2, यह हो जाएगा आपका कितना, 3/2। ठीक है, सी विकल्प आपका एकदम करेक्ट आंसर। अब इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती की होगी, इसको देख के, देखिए क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं हमें, ठीक है ना। अगर आपको ना समझ में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देख कर डरना नहीं है। इसका आंसर क्या है हमारा, 3/2 आया, इसमें आंसर 14 आया था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर क्या आया था, पहले क्वेश्चन का 8 आया था, ठीक है ना। और इसका मान अब बताना, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन 60 अपॉन कॉस 30, देखिए ये लिखा है साइन 60 अपॉन में कॉस 30, ठीक है, माइनस का साइन 30 का मान आपको बताना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 होता है, और कॉस 30 का मान भी होता है अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसको ये करेंगे कट्टम कट्टम हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1/2, इसमें एलसीएम लेंगे 2 1 कम 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2, या क्या होगा, 2 में से गया 1 बचा 1/2। सही आंसर दोस्तों क्या आएगा बताइए, सही आंसर आएगा इसका बी विकल्प 1/2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी काफी बच्चों ने गलत कर दिया होगा, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। देखिए अब जिस बच्चे का पेपर था, देखिए उसने इसको टिक किया था, ठीक है, ये नहीं होगा, क्या होगा हमारा 1/2 होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आप लोग कमांड रखिए, ठीक है। 5 नंबर बहुविकल्पीय के इसमें गलती ना हो, बाकी जगह गलती करेंगे चलेगा, 5 में 5 नंबर बनने चाहिए। चलिए दोस्तों अति लघुतरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कोई बात नहीं अगर आपसे गलती हुई है, ठीक है। अब ये अति लघुतरी प्रश्न बचे हैं, 243, ये ऐसे लिखा था क्वेश्चन, 243 की घाते 3/5, ठीक है ना, ये लिखा था। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, कोई भी प्रश्न देखिए कठिन नहीं है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, आज सीखना भी है। देखिए आगे आपको यहाँ सी टेट में भी काम आएगा, यूपी टेट में भी काम आएगा, सुपर टेट में भी काम आएगा, ये गणित हमेशा काम आने वाली है, हर एक बच्चे को देखना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, वीडियो को देखिए और सीखिए। अब 243 की घाते 3/5 को सरल करना है, 243 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, जरा इसका देखिए 243, अब इसको जरा 3 से भाग कर लीजिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग करिए, 3 2 6, ठीक है, 3 7 21, फिर 3 से भाग करिए, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, टोटल 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 5, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 5, और टोटल घाते क्या थी, 3/5। अब इसको दोस्तों ये ऐसे कर सकते हैं, 3 की घाते 5, ये गुणे में हो जाएगा 3/5, ये 5 से 5 कटा तो हो गया कितना, 3 की घाते 3, तो 3 की घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या हो गया, 3 3 9 3 27, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 27। अब देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े भी थे, इससे बच्चों को बचना चाहिए, देखिए ये बात हमने बताया है, ठीक है। जैसे भी ये क्वेश्चन देखिए, ये सब अति लघुतरी प्रश्न आपको कितना नंबर देंगे, मैक्सिमम एक ही नंबर देगा, याद रखिए। 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है, इनकी माध्यिका ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए इसको आप क्या करेंगे, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो चलिए इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटा क्या है इसमें, आप देखिए 143 आपको दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा होगा 145, 148, चलिए लिखते हैं इधर 143, बढ़ते हुए क्रम में 145 आपने लिखा होगा, ठीक है, 148, 151, 152, 153, 155, 163, 169, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे। अब ये दोस्तों बढ़ते हुए क्रम, पदों की संख्या कितनी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या टोटल 9 है। अब ये बताइए दोस्तों ये पद क्या है, सम है कि विषम है, आप कहेंगे विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 व पद, ये कब होता है फार्मूला, जब विषम होता है, विषम की कंडीशन है ये, सम और विषम में जरा ध्यान रखिएगा, n की जगह क्या हो गया 9, 9+1/2 व पद, 9 1 क्या हो गया 10, 10/2 व पद हो जाएगा बराबर, ठीक है, भाग कर लीजिए आ जाएगा 5वां पद, इतना लिखना पड़ता है एक नंबर पाने के लिए, सोचिए 5वां पद क्या था, जरा देखिए 1 2 3 4 5, 152 ना, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 152। तो ऐसे आपको भैया एक एक नंबर मिलता है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं स्टेप मार्किंग से नंबर लेना। अब कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ही माध्यिका निकाल दी होगी, अगर आपने डायरेक्ट माध्यिका निकाली होगी जरा देखिए आपने गलती क्या क्या होगा, हमारा आया था 5वां पद, जरा देखिए 5वां पद में इसमें क्या था, 1 2 3 4 5, अब 5वां पद इसका कितना आता, 143, तो आपका क्या होता है आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए, जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना, एक नंबर पाना है हमें,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। जरा समीकरण यहाँ पर थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, सही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, ये प्लस में बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या किए, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 12 कम 12, ठीक है, और यहाँ पर बीच में 1 आ रहा है ना, तो 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, बस वही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का लिखिए 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स कॉमन लीजिए तो बचेगा एक्स प्लस 4, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 बराबर 0। दोनों तरफ एक्स प्लस 4 है ना, तो यहाँ पर एक्स प्लस 4 दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार आप करिए, एक्स प्लस 4 बराबर 0 अगर है तो एक्स का मान आएगा -4, अगर दोस्तों दूसरी कंडीशन x माइनस 3 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है इसको देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो हमारी लंबाई होगी, ठीक है, ठीक है, लंबाई के परिता घुमाना, तो लंबाई बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऊंचाई, और दोस्तों ऊंचाई हमारी लंबाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी ये बताइए, ये सिंपल सा हमारा हो जाएगा 10, 10 सेंटीमीटर दिया गया था ना लंबाई। और उसके बाद दोस्तों देखिए, और इसमें जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आर, ठीक है। देखिए कोई हमारा आयत था उसको दोस्तों लंबाई के परिधि घुमा दिए तो क्या बन गया हमारा, बेलन बन गया, ठीक है ना, बस यही बताना था। अब चलिए दोस्तों इसका आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल सा होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई रख दीजिए, आर की जगह दोस्तों त्रिज्या की जगह क्या रखेंगे आप, ठीक है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच की जगह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में 10। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे में 7 × 7 × 10, 1 7 से 7 कटा, गुणा कर लीजिए, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 1 = 15, और ये 0, ये हो जाएगा दोस्तों 1540 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है 1540 आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लिखा होगा कॉसेक स्क्वायर 30 और साइन 45, सेक स्क्वायर 60, अंश का मान आपको बताना है, इसको हमें हल करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, आपको कॉसेक 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए दोस्तों, ये होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2। साइन 45 का मान होता है, लिख लीजिए पहले एक जगह साइन में लिख लीजिएगा, 1/√2, ठीक है ना, साइन 45 का मान, और सेक 60 का मान क्या होता है बताइए, सेक 60 का मान होता है हमारा कितना, 2 होता है, ठीक है। तो बस अब ये हो जाएगा, देखिए अगर ये आपको नहीं पता ना तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। कॉसेक 30 का मान कितना होता है हमारा, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू में साइन 45 का मान 1/√2 माइनस सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर, ठीक है, यह हो गया 4, ठीक है, अपॉन √2 माइनस का 4, 4 कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से, हो जाएगा 1/√2 माइनस का 1, ठीक है ना। तो कुछ बातें आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि भैया मान कैसे निकाला जाता है, किसका कितना होता है। यहां पर दोस्तों सेक 60 का मान नहीं पता, आपको पता होगा कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो सेक का उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दो पासे हैं दोस्तों, अगर उसको फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, क्या संभावना बन सकती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। देखिए दो पासे हैं, पासे में क्या क्या लिखा रहता है बताइए, 1 2 3 4 5 6, ये सब हो सकता है। दो पासे फेंकें, हो सकता है पहली बार आ जाए 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे आज के बाद,
ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, 200 पास में आ जाए, 2-1 आ जाए, ठीक है, 2-2 आ जाए, 2-3 आ सकता है, 2-4 आ सकता है, 2-5 आ सकता है और 2-6 आ सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, पास आपने फेंक दिया, 3-1 आ जाए, मतलब कंडीशन देखिए कितनी बदल रही है, 3-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है, 3-4 आ सकता है, 3-5 आ सकता है और 3-6 आ सकता है, ठीक है। जब दो पास हम एक साथ फेंक रहे हैं तो ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है देखिए, 4-1 भी आ सकता है, 4-2 आ सकता है, 4-3 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 4-5 और 4-6। अब अगली कंडीशन दोस्तों आ सकती है हमारी, देखिए 5-1, ठीक है, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और एक आ सकता है 5-6। और लास्ट दोस्तों जो कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम, वो या तो पहले 6-1 आ जाए, ठीक है, 6-2 आ जाए, 6-3 आ जाए, 6-4 आ जाए, 6-5 आ जाए या 6-6 आ जाए, ये हो सकती है दोस्तों जब हम दो पासा एक साथ फेंक रहे हैं। लेकिन अंकों का योग 4 होना चाहिए। देखिए 4 किस में आ रहा है, 1 और 3 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बाकी कोई और कंडीशन आपकी नहीं हो सकती जब अंकों का योग आपका 4 आए, ठीक है ना, सिंपल सी बात याद रखिए। तो इसकी जो अनुकूल घटनाएं होंगी वो टोटल कितनी आई हमारी, टोटल घटना 1 2 3 है, तो दोस्त ऊपर हो जाएगा 3 और टोटल घटना कितनी हो सकती है 36, ठीक है, 36 आप जोड़ लीजिए, 6 6 12 18 5 3 6 6 36, ठीक है ना। तो जो हमारा पी से ऐसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3 12, 1/12, ठीक है, बस यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये इसने हमने आपको इसलिए सिखाया कि भाई ये मैक्सिमम कंडीशन आपके सामने हो सकती है। चलिए दोस्तों अब लघु उत्तरी प्रश्नों पर आते हैं सीधे, समय की बर्बादी बिल्कुल न हो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि वी ओ ये है और ये, ठीक है, तो तेजी से पहले हम एक बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर जी शंकु गया कहां पर, ठीक है, एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया था, ठीक है ना, तो इसको देखिए क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने रख दें पहले, उससे भी आप देख सकते हैं, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये था, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखिए होता क्या, बच्चे कहते हैं कि थोड़ी सी सर क्वालिटी और बेहतर है वीडियो में, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है ना, लिख दिया गया आप लोगों के लिए थोड़े से और बेहतर दिखे, वी ए बी और यहाँ ओ हो गया, ठीक है, उसको ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ वी ओ 15 दिया गया है, वी और ओ इसकी लंबाई 15 है, ओ बी, ओ और बी इसकी है हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए सिंपल था, बताइए वक्र पृष्ठ का फार्मूला किसके, कितने बच्चों को पता है, पता होगा पाई आर एल होता है। आप हमें दोस्तों सब कुछ तो पता है लेकिन आर तो पता ही है, आर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, लेकिन एल की क्या हो, ये होगा, देखिए एल निकालने के लिए हमें क्या, देखिए ये देखिए ऐसे एक फार्मूला बनाइए फिगर, ये दोस्तों हमें पता है 15, ये देखिए दी गई ये 15 और यहाँ पर 8 दिया गया है, ये बी ओ है, वी है और बी। अब बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वी भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कड़ हो गया। आपने फार्मूला पढ़ा है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में आ जाइए फटाक से, ठीक है, इसको एक्स मान लेते तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से दोस्तों एक्स का मान आ जाएगा, जोड़िए 225 और 64 जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2, अंडर रूट 289 इसका मान आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 17 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, 17 सेंटीमीटर ये कड़ की लंबाई, ये आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ बताना था, तो इस फार्मूला में पता चल गया पाई आर एल होता है, पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, एल की वैल्यू 17 है, 17 और 8 का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 17 8 कितना होता है 136 हो जाएगा, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसको हम आंसर करेंगे, बस यहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर दें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है
उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी दिखे जब समलंब से संबंधित तो जो समांतर भुजाओं का योग है उसको 2 से भाग भी कर दें, तो 25 + 12/2 होगा और उनके मध्य की दूरी कितनी है हमारी 8 दी गई। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना है। इसको 2 से भाग कर लीजिए, इधर 2 चौके 8 हो गया, 25 और 12 जोड़ लीजिए कितना हो गया 37, 37 × 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा करिए, 4 7 28, 4 3 12, 2 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी, यहाँ त्रिभुज नहीं बनाए इसको बनाते हैं, में टेन ए बराबर 4/3 है, तो 1 + sin 2a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा पता है, कौन सा, लाल बटे के कक्का। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है, साइन कॉस टेन। देखिए दोस्तों होता क्या है, इसे साइन का जो मान निकाला जाता है साइन थीटा बराबर, इसको बोला जाता है पहले साइन से होता है ना, एल बटे के, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है। अगर दोस्त यहां से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आधार बटे कर्ण, और अगर यहां से हम टेन का मान निकालेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये लास्ट में एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो हमें दिया गया था दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया जरा देखिए, यहां पर लिखा है सिंपल था, टेन ए बराबर 4/3, इसका मतलब हमें क्या पता है, लंब पता है आधार पता है। ठीक है, कोई एक फिगर ड्रा कर लीजिए जिसमें हमें क्या पता है, लंब 4 है आधार 3 है, तो ये के क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए फटाक से, ए बी सी इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट में करिए एक्स बराबर, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 × 16, और ठीक है, और 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25, तो एक्स का मान आ जाएगा √25 = 5, तो ये हमारा मान आ गया 5। ठीक है, हमें निकालना था 1 + sin 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ बातें हम आपको एक्स्ट्रा बता के जा रहे हैं कि आगे भी वो काम आए। ठीक है ना, सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं, कोई और भी सवाल आपके सामने आए तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अब देखिए क्वेश्चन में था ये हमें 1 + sin 2a का मान बताना है, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। ठीक है, यही होता है ना, तो चलिए दोस्त इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बात खत्म हो जाए। तो यहां पर दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये sin 2a का फार्मूला बताया था, तो हमारा हो जाएगा 1 + 2 sin a cos a। तो यहां हो जाएगा साइन ए का मान क्या निकालेंगे, यहां तो साइन ए का जब मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब 4 है, कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5। कॉस का जब मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 3 है, कर्ण कितना है 5 है, आगे तो हो जाएगा 1 + 2 sin a की जगह क्या रखेंगे 4/5 इंटू में क्या रखेंगे 3/5, गुणा कर लीजिए 4 3 12, 12 × 2 = 24, 1 + 24/25, 25 25, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 + 24/25। ठीक है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 49/25, या तो आप इसी को आंसर कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप वही सही बटे में ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा आया था पेपर में आपके, लेकिन इतना लेंदी पेपर बनाया गया ना, तो बच्चों को मतलब होता है ना उलझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर आसान क्वेश्चन को रखा जा सकता था, इतना लेंदी पेपर बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए भाई पीएनपी सुप्रीम है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अभी आपके सामने रखते हैं चित्र, भाई बना देते हैं फटाक से। ठीक है, चित्र बनाने से पहले आपको दिखा दिया जाए, ओरिजिनल चित्र था का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया गया था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोड ए 75 अंश यहां पर दिया गया था, कोड बी 82 अंश है, तो कोड सी और कोड डी का मान ज्ञात करना था। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आज कुछ सीख के जाइए, 1 घंटे का पेपर है, 24 मिनट वीडियो को कंप्लीट हो रहा है, तो आपने 1 घंटे में कैसे पेपर किया होगा वो भी आप यहाँ पर लाइव समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होती है तो आप लोग का पेपर बढ़िया गया होगा और अच्छे से आपने इसको स्कोर किया होगा। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, फिगर ड्रा कर रहे हैं ए बी सी डी। तो काफी बच्चे क्या होते हैं कि भाई अपने कॉपी पर भी ऐसे फिगर ड्रा किए होंगे, बहुत से बच्चों ने डायरेक्ट कर दिया होगा। देखिए तो क्या होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारी कॉपी अच्छी दिखे तो भाई फिगर विगर सब बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आपने एक चीज पढ़ा होगा, देखिए हमने आपको एक बात बताई थी चक्रीय चतुर्भुज की, जब भी बात आ जाए कोई भी चक्रीय चतुर्भुज, तो उनके जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। मतलब कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, समझिए इसमें कोण ए प्लस कोण सी का योग हो जाएगा 180 डिग्री। बस कुछ सोचना ही नहीं है, कोण ए का मान आप 75 अंश रख दीजिए, कोण सी नहीं पता, बराबर 180। तो कोण सी बराबर 200 आ जाएगा, 180 माइनस 75, तो कोण सी का मान घटा के आ जाएगा कितना हमारा, 105 अंश। ठीक है, ये बातें देखिए कुछ चीजें याद रखिएगा, हमेशा काम आनी है ये, इसी सवाल के लिए नहीं अन्य सवालों में भी कभी आएगा। अब ये देखिए सम्मुख कोण यहाँ पर हमारा कोण बी प्लस कोण डी, इसका योग होगा 180। कोण बी का मान कितना दिया गया हमारा दोस्तों, 82 अंश, प्लस कोण डी हमें पता नहीं, बराबर 180। तो कोण डी का मान हमारा आ जाएगा 180 माइनस 82, घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, कोण डी बराबर आ जाएगा 98। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर आया था दोस्तों कोण सी का मान कितना आया था हमारा, 105। ठीक है, तो 105 और 98 डिग्री, बस ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। यदि तीन सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, ठीक है ना, तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, समझाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए कितने भी सिक्कों को एक साथ फेंका जाए, दो सिक्के तीन सिक्के, तो उसके लिए हमें फार्मूला एक ही आता है, कौन था, 2 की पावर n। ठीक है, टोटल हमने तीन सिक्के फेंके, 2 की पावर 3, तो हो गया हमारा 8। तो कितनी प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती है, 8। तो घटनाएं कौन कौन से हो सकती हैं, तीन सिक्के हम फेंक रहे हैं, कितने सिक्के हैं टोटल, 3। तो हो सकता है तीनों में पहली बार क्या आ जाए, हेड हेड हेड, ये आ सकता है, या तो दोस्तों ऐसा आ सकता है पहले दो सिक्कों में हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि एक में हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, या तो दोस्तों हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आए और फिर हेड। एक तो ये घटनाएं हो सकती है। दूसरी संभावित घटना ये हो सकती है दोस्तों, या तो तीनों में एक साथ टेल आ जाए, या तो पहले दो में टेल आए फिर हेड आ जाए, फिर दोस्तों पहले में टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो हेड आ जाए पहले फिर टेल और टेल। ये टोटल आपकी 8 घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने भी सिक्के रहेंगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो 17 नंबर को क्वेश्चन क्या है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो, ठीक है, उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई हमें बतानी थी, बस यही क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूजन में जा रहे होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ दिमाग लगाएं, क्या करें। देखिए जिसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं, इसमें बोला गया था कि मदारी की टोपी शंक्वाकार है। ठीक है, शंकु कैसा होता है देखा है आपने ना, सिंपल सा ऐसा फिगर विगर बना के आप लोग क्वेश्चन करते। रुकिए देखिए इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा। अभी एक शंकु वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा भी था इसी वीडियो में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था जरा देखिए, क्वेश्चन पेपर ही हम आपके सामने रखते हैं। होता है क्या है ना कि जो एग्जामिनर था भाई उसी से एक और क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर देखें एक शंकु का क्वेश्चन था ही, एक और शंकु का आ गया। अब जो बच्चे शंकु को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे डेफिनेटली 4 नंबर तो उनके भैया फंस रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं, अगर आपने हमारी सीटेट मैथ की वीडियोस को देखा होगा बिल्कुल एक एक चैप्टर, ठीक है, डीपली एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होगा, मैथ की वीडियोस को नहीं देखा होगा तो गलती किया होगा। चलिए देखते हैं इसको समझते हैं कैसे करना है। देखिए इसमें था कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है और उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, मतलब ये उसका वक्र पृष्ठ है 840। मतलब जो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, वो होता है हमारा पाई आर एल बराबर 840। ठीक है, बात खत्म। उसके गोल सिरे का परिमाप, तो मतलब उसका जो परिधि है वो कितना है, 56 सेंटीमीटर परिधि। तो मतलब उसका जो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 56। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लें या कैसे भी करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो आर का मान यहाँ आ जाएगा 56/2, ठीक है पाई, ठीक है ये हो जाएगा, 2 से भाग कर लीजिए आ जाएगा, ये हो जाएगा 28/π। ठीक है, ये हमारा दोस्तों सेंटीमीटर, ये आर का मान हमारा आ गया।
तो ये आर का मान इसमें रख देंगे, ये इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आर की जगह क्या रखेंगे, 28 अपॉन में पाई, ठीक है, इनटू में, ठीक है। और ये हमारा क्या था, पाई पहले से था, और एल लिख लीजिए बराबर 840। हमें निकालना क्या था, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये पाई से दोस्तों पाई कटेगा, इसको भाग करिए 14 दूनी 28, 14 6 84 0। और दोस्तों यहां से एल का मान निकालना हो जाएगा 60/2, 2 से भाग करिए 30 बार जाएगा, तो एल का मान हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल कुछ ही टाइम में कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया होगा, डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन में गलती की होगी, ठीक है। अगर आपने ऐसा प्रश्न किया होगा इसके मिलते जुलते, तो हो सकता है कि आपने 50% सही किया हो और कुछ बच्चे 100% सही किए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी 25 में से 24 नंबर भी मिलते हैं। तो देखिए, यदि ए का मान हमें दिया गया था, बी का मान दिया गया था, तो हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना था। अब देखिए, मैं आपको बता रखा है ए यूनियन का मतलब क्या होता है, भैया सबको रख लीजिए साथ में, 1 3 5 7 9 5 7 11 13, ठीक है, 5 7 11 13 ये मैच हो रहा है, तो भैया इसमें सबको रखना है, तो कोई डबल बार नहीं रखना है, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 13, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि सही क्वेश्चन आया था, जो कि आसान क्वेश्चन काफी बच्चों को लगा होगा कि भैया 2 नंबर वाला तो मिलेगा ही। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, इसमें ये वाला इंटरसेक्शन का जो साइन लगता है, इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन दिख रहा है, 5 7 11 13, इधर देखिए, इधर ज्यादा है ना, इधर देखिए 5 7 11 13, यहां भी 5 है 7 है 11 13, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5 7 11 13, हो गया, ये हो गया दोस्तों आपके 2 नंबर। सोचिए 2 नंबर, ये सबसे आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं पेपर का। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, कभी कभी ये मत सोचिएगा 5 7 11 13, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 7 ना दिया गया होता ना, तो ये 7 ना रखते, फिर मैचिंग होना चाहिए दोनों में, इसको भी ध्यान रखना था। चलिए दोस्तों, अब आपके टोटल 25 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ऑल द बेस्ट। और फिर कभी अगर आप 4 सेमेस्टर का पेपर दें या कभी किसी भी सेमेस्टर का, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन आता है पहले उतना करना है, और जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है उसको तुरंत छोड़ देना, बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चों का इस क्वेश्चन पेपर में 1 2 क्वेश्चन छूट भी गए, जो कि बहुत ही गलत हुआ उन बच्चों के साथ। हुआ क्या, कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी रखे गए थे, जरा देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो इस क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप फंसे होंगे इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चे फंसे होंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आसान था और ये भी ठीक था दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, 1 2 क्वेश्चन ऐसे थे। और उसके बाद दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी ठीक था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, बाकी ठीक थे, एक ये क्वेश्चन था दोस्तों इसमें आप लोग थोड़ा सा फंसे होंगे। टोटल यही 4 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी 20 नंबर का क्वेश्चन आसान था। देखिए कोई भी पेपर बनाया जाता है, जब 25 नंबर का पेपर बनाया जाता है, तो भैया याद रखिएगा पहले लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन को इजी रखा जाता है कि सभी बच्चे कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर होते हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई किया जाता है, 5 नंबर लास्ट से वो तो बहुत ही हाई क्वेश्चन लगते हैं, मतलब कठिन क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर आप 20 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और अब सीटेट की तैयारी में लगना, आपका डीएलएड उम्मीद करेंगे ये से कंप्लीट हो रहा हो, अब सीटेट यूपी टेट या सुपर टेट, ठीक है, अब लग जाइए तैयारी में, और दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, और सीटेट की टैग वर्ड के साथ हम लोग मिलेंगे, टैग वर्ड बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि तुक्का लगाने में सबसे ज्यादा ये सब काम आता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।